नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है राजे थिरानी और आज हमारा डिस्कशन रहेगा अबाउट टाटा हॉर्नबिल। इसके बारे में हमारे पास काफ़ी सवाल आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि ये सवाल क्यों उठने लगे और क्या वाकई में ये वैलिड है, और अगर वैलिड है तो इसका जो डेट ऑफ डिलीवरी है वो कब तक हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, कोई और आपको इसके बारे में इतनी डिटेल जानकारी नहीं पहुँचाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का डिटेल सेशन बिना समय बर्बाद किए। दोस्तों, टाटा हॉर्नबिल एक ऑल न्यू अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है, सुपर सुपर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो न्यूज़ हाल ही में शेयर की थी। और इसके बाद हमारे पास बहुत सारे फीडबैक्स आए, लोगों को जानना कि ये गाड़ी कब आएगी, क्या प्राइस पॉइंट पे आएगी, कैसे दिखती है, क्या फीचर्स ऑफर करती है, और आखिर में उनको इसके लिए रुकना चाहिए या नहीं। खैर, ये सारे सवाल पे हम आएंगे बहुत जल्द। पहले हम समझते हैं कि ये न्यूज़ आई कहाँ से। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स ने इस स्टोरी को शेयर किया था कि टाटा मोटर्स काम कर रहा है अपनी एक ऑल न्यू कॉम्पैक्ट सुपर कॉम्पैक्ट एसयूवी पे, जिसका नाम है हॉर्नबिल। अब समझते कि ये सेगमेंट कौन सा है। फिलहाल जो ये सेगमेंट रहेगा वो रहेगा अंडर द नेक्सॉन, यानी कि ये डायरेक्टली कम्पीट करेगी विद द महिंद्रा केयूवी 100। आज मैं आपको और ज्ञान की बात बताता हूँ जो शायद आपको ना पता हो, पर ये केयूवी वाला सेगमेंट जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं वो बहुत ही यूज़फुल सेगमेंट है और आगे चल के ये काफ़ी बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये सेगमेंट अगर आप देखेंगे, फिलहाल केयूवी कोई ले नहीं रहा है, जबकि वो एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहा है। अगर आप हमारा वीडियो देख ले ऑफ द केयूवी, मैं आई बटन पे लिंक छोड़ रहा हूँ, देख लेना। केयूवी NXT जो है बहुत ही शानदार पैकेज है एंड अ ग्रेट चॉइस टू कंसिडर। पर मेरा आज का डिस्कशन ये है कि केयूवी का जो सेगमेंट है वो क्यों बड़ा होने वाला है, और फिलहाल जो अपने प्रोजेक्ट्स है उसको टेस्ट कर रहे हैं बाय सूडो SUVs। तो KUV जो है एक प्रॉपर SUV है, उठी हुई गाड़ी है, आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देती है वगैरह वगैरह, एकदम SUV टाइप स्टांस है, ऊंचा बैठते हो, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है जो आप एक SUV से एक्सपेक्ट करोगे। वहीं पे जब आप कंपटीशन देखते हैं, वो प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आती है पर दे आर नॉट टेक्निकली कंपटीशन, ठीक है। अगर आप देखते हो सिलेरियो X और टाटा टियागो एनर्जी जो बहुत जल्द आने वाली है मार्केट में, या फोर्ड फ्री स्टाइल, ये सब गाड़ियों को जब आप देखते हो ना मार्केट में, तो आप ये रियलाइज करोगे कि ये सब जो है SUV नहीं है, वहाँ पे KUV एक प्रॉपर SUV का स्टांस के साथ आती है। तो फिलहाल ये सब गाड़ियाँ जो इंट्रोड्यूस की गई है, आगे चल के इसका कन्वर्जन होगा इनटू फुल ब्लोन SUV। अगर आपको याद है, Hyundai ने i20 एक्टिव लाई थी बिफोर गेटिंग द स्टैक्स, जो स्टैक्स अगले साल आने वाली है। स्टैक्स के बारे में जानना है, आई बटन पे जाइए, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर एंड। मूविंग बैक टू द टॉपिक, के ये सेगमेंट में क्या खास है। अब ये सेगमेंट में फिलहाल KUV है, पर बहुत जल्द आने वाली है मारुति। मारुति ने Y1 के नाम का एक कॉन्सेप्ट दिखाया था ऑटो एक्सपो पे, उसका प्रोडक्शन वर्जन आएगा। उसके बाद और दो गाड़ी आने वाली है, तो Hyundai लाएगी एक गाड़ी इस सेगमेंट में। Hyundai भी एक माइक्रो SUV लाने वाली है। अगर आपको याद है, हमने डिस्कस किया था इन वन ऑफ आवर वीडियोस जहाँ पे हमने आपको बताया था Hyundai अगले 4 से 5 साल में 6 नई SUVs लाने वाला है मिनिमम, और हमने एक्चुअली आपको 9 गाड़ियाँ गिनवाई थी वहाँ पे। तो Hyundai, मारुति, टाटा, ये तीनों इस सेगमेंट में घुसने वाले हैं और अपने प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं। और फिलहाल ये मार्केट जो है इतना मच्योर नहीं है, इस वजह से आज के तारीख में इसमें घुसना इज़ नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि काफ़ी सारे और सेगमेंट्स हैं जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और KUV वाला सेगमेंट जो है फिलहाल बहुत इमेच्योर है और ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है इसमें। तो इसकी वजह से जब ये गाड़ी आप देखें, तो वो लोग चाहे तो ये गाड़ी 2 से 3 साल में खड़ी करके रेडी कर सकते हैं, पर उन्हें थोड़ा और ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ फिलहाल कुछ और दी हुई है, क्योंकि बायर्स कुछ और लेना चाहते हैं आज के तारीख में। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, के ये जो सेगमेंट है 5 से 8 या 9 लाख रुपए के बीच में, ये डेवलप होगा इनटू अ ऑल न्यू मिनी, सुपर मिनी, माइक्रो SUV कॉम्पैक्ट सेगमेंट बनेगा ये। और ये सेगमेंट में आपको मिलेगी महिंद्रा की KUV 100, आपको मिलेगी मारुति की तरफ से एक न्यू SUV, आपको Hyundai की तरफ से एक न्यू SUV मिलेगी, और टाटा मोटर्स की तरफ से आएगी हॉर्नबिल। तो फिलहाल टियागो एनर्जी, मेरे ख्याल से जो सूडो SUV, उनकी सूडो क्रॉसओवर आने वाली है 12 सितंबर को,
वो उनका एक एक्सपेरिमेंट फॉर्म रहेगा कि देखने को कि किस तरह से कस्टमर इवॉल्व होता है इन दिस सेगमेंट एंड हाउ डू दे रिएक्ट, मेरे हिसाब से जितना मैं समझ रहा हूँ। और टियागो उनकी बेस्ट सेलर भी रही है, तो इस वजह से उन्हें एक डेरिवेटिव भी मिल जाएगा उसके साथ। पर फिलहाल इस गाड़ी का आना बहुत जल्दी है। अगर आप मुझसे पूछ ले स्पेसिफिकेशंस, तो इंजन मैं आपको बता सकता हूँ 1.2 लीटर रहेगी एंड 1.05 लीटर का डीजल रहेगा, 1.2 लीटर का पेट्रोल रहेगा। 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT दिया जाएगा उसमें, पर इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि किसे पता ही नहीं है। अभी तक ये प्रोजेक्ट केवल पेपर पे है और इसका बहुत अर्ली स्टेजेस में काम चल रहा है। ये गाड़ी बनाई जाएगी ऑन द न्यू टाटा अल्फा प्लेटफॉर्म। तो ये अल्फा प्लेटफॉर्म जो है सारी नई छोटी गाड़ियों के लिए रहेगा और टाटा मोटर्स इसका लॉन्च इतना जल्दी नहीं करने वाला है। दोस्तों जो रुके हुए हैं इस गाड़ी के लिए, प्लीज़ डो नॉट वेट एनी मोर, क्योंकि उस गाड़ी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 साल आने को है। 2022-2023 में गाड़ी का लॉन्च होगा। तो अगर आप इसके लिए रुके हुए हैं, प्लीज़ स्टॉप वेटिंग फॉर इट। हमें इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं और हम हर एक को ये जवाब दे रहे हैं, डोंट वेट फॉर दिस कार, अभी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, रुकना मत 5 साल, आपको बहुत समय रुकना पड़ेगा। और मैं सोचा क्योंकि इन सब को जवाब देना पॉसिबल नहीं था, तो लेट्स मेक अ क्विक वीडियो ऑन इट, ताकि आपको भी पता चले ये हॉर्नबेल आखिर में क्या गाड़ी है और क्या आपको इसके लिए वाकई में वेट करना चाहिए या नहीं। उसी दौरान मैं आपको ये बता दूं, मारुति की जो Y1K और साथ में Hyundai की जो माइक्रो SUV आने वाली है, दोनों इन दोनों का लॉन्च भी 2020 के बाद ही होगा, तो उनके लिए भी रुकना आज के तारीख में इट्स नॉट वर्थ इट। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो प्योरली फीडबैक पे बनाया गया है और आज हम ऐसे वीडियो पहले बार बना रहे हैं, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, कीप अस अपडेटेड, ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए हमेशा डिलीवर करते रहें। टेक केयर गाइस, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए, कुछ भी सवाल हो उनके जवाब हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मिलेंगे कल फिर से, जय हिंद।